हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम सो के उठ के ताज़ा ताज़ा सुबह सुबह बाहर निकले हैं। ये हमारे एक दोस्त है, हम उसको लेने जा रहे हैं। क्या हाल है आप सबके भाई? ठीक है आप सब? चलें अब हम आपको दिखाते हैं आज के सीन कितने खतरनाक है। भाई हम JDC पहुँचे हैं। JDC का जानवरों को हमने सुना था कि बड़े अच्छे जानवर लाया है। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try puff on the right side? मैंने आपको बताया था कि हमारे आगे की सीन क्या है, तो ये JDC के हमने आपको अभी जानवर दिखा दिए। बाकी अभी हम और एक और जगह जा रहे हैं। गए हैं कराची की मवेशी मंडी। कराची मवेशी मंडी के अंदर एंटर हो गए। जानवरों का शौक देखें हमें कहां तक ले आया। बाकी अभी तो फिलहाल इतनी मंडी अभी कहां लगी है, मतलब अभी तो स्टार्टिंग है। हमें जो कीड़ा है मंडी का वो बचपन से ना खत्म होने वाला कीड़ा है। तो बचपन का कीड़ा हम बरकरार रखे हुए हैं आज तक और जिंदगी भर रखेंगे। तो अभी हम आ गए, लेकिन देखते हैं कहाँ जानवर मिलता है। अभी तो हम घुसे आगे के आपको दिखाते हैं जैसी जानवर मिलता है। पहले जानवर भी मिल गए, खड़े इतने सारे मेमोरी जानवर भी मेरे भाई। तो हम आपको अभी दिखाते हैं कि जानवर जिसके पीछे कराची की आवाम पागल हुई भी है वो क्या है। ये जानवर देखने के लिए कराची की आवाम पागल हुई भी है। कराची की मवेशी मंडी दिखा दी और दूसरा ये कि हमने खुद भी देख ली। हमारा पहला दिन था, आज हम आ गए ट्रैफिक टुल्ले वाले साइड। तो हमारा सीन ये है, हम रात में भी एक जगह जाएंगे। वहाँ के सीन कुछ ज्यादा अच्छे भी हैं और बहुत खूबसूरत हैं, हमें पर्सनली अच्छे लगते हैं। और आप लोग देखोगे तो आप लोग को और मजा आएगा। हमारे भाई का पहला व्लॉग था आज का, फर्स्ट व्लॉग, और वो शुरू हुआ है आज मंडी से, क्योंकि ये हमारा सीजन है। हमसे बड़ा भी जानवर कोई नहीं है भाई। हमारे घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें जानवरों के साथ बांध दिया जाए। बिल्कुल, ये जो चारा ये खाते ही चारा है मेरे भाई। रात को हम आपको इसी को कंटिन्यू करेंगे और रात के सीन आपको इंशाल्लाह। इतनी जिंदगी रही अगर हमारी, ये पता नहीं जंगली ड्राइवर है हमारा। तो हम रात में फिर चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे बाकी इंशाल्लाह ताला। हाँ तो भाई मैं घर आ गया हूँ, अलियान को छोड़ के। जुम्मे का दिन है, अभी नमाज की तैयारी वैयारी करके उसके बाद इंशाल्लाह आके घर पे आके सोऊंगा। सो के उठ के रात में मुलाकात। हेलो गाइस, जैसे कि रात का प्लान था कि रात में हमें कहीं जाना है, बस उसी के लिए हम निकले हैं। अलियान भाई हमारे साथ हैं। क्या हाल है भाई? दो दोस्त भाई हमारे और हैं, उनको भी उठा रहे हैं। तो आपको आज बड़ा मजा आएगा। बाकी चलते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे जाके आपको वहाँ के दिखाते हैं कि क्या चीजें हैं वहाँ पे। तो भाई हमारे ये दोस्त भी आ गए हैं। अब हमारी रवानगी डायरेक्ट उसी जगह पर है जहाँ पर हमें जाना है। देखें छोटा जानवर बैठा हुआ है। हम आ गए हैं, ये देखें सिंध डेयरी कैटल फार्म। भाई जानवर छोटा हो या बड़ा सब मौजूद है। आप यहाँ पे आपको हर नस्ल का जानवर मिल जाएगा। हमारे दोस्त भाई का जानवर खड़ा हुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ा है। ये बैठा हुआ शायद आप लोगों को बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन ये इतना बड़ा जानवर है कि मुझ जैसे 3-4 भी इसके साथ खड़े हो जाए ना, वो इतना प्यारा जानवर है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बता ही नहीं सकता। ये कैमरे में बहुत छोटा लग रहा है, ये दुमे हिला रहा है। ए भाई ए सो रहा है मेरा बच्चा। तो उमर भाई की ये फेवरेट जगह है, ये वाला जो है इसके रेट ज़्यादा है। मुझे कोई खरीद नहीं सकता मेरे भाई, ये फजूल की बात नहीं करो। और दो जानवर हमने गाड़ी में बिठाए हुए ये आते होंगे, ये देखें आप अदाएँ देखें। अय हाय, ये जानवर जो है ना, ये और एक दूसरा जानवर बराबर में है वो वाला, ये रहा, ये बहुत बड़ा है माशाल्लाह। तीन जानवर यहाँ पे आपको बैठे हुए इस वक्त दिख रहे हैं। इनमें से जो दो जानवर है ना वो बहुत बड़े हैं। मैं तो बहुत छोटा सा गेना जानवर हूँ, लेकिन ये दोनों गेना और खूबसूरत जानवर हैं। मेरी नज़र में इस फार्म के सबसे हसीन और सबसे बड़े जानवर ये दो हैं। मेरे प्यार करने की वजह से सोने की पोजिशन में इस बकरीद के सीजन में मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो ये ऐसी खूबसूरत बुलबुल की बच्चियाँ हैं कि मेरी फेवरेट हैं।
मुझे नहीं पता आप लोग की क्या फेवरेट है। अगर आप लोगों को में से कोई भी जानवर परचेज भी करना हो तो मोस्ट वेलकम सिंध डेयरी कैटल फार्म। हाँ तो मिनाल भाई, आपको यहाँ आके कैसा लगा? भाई इस पूरी लाइन में ना जितने भी टेंट हैं यहाँ पे उसमें सबसे बेहतरीन जानवर सिंध डेयरी पे, और एक ब्राउन एंड व्हाइट वाला पसंद है उमर भाई और अपने मिलके, वो यहाँ का सबसे बेहतरीन जानवर बस इंशाल्लाह लेने का काम है इंशाल्लाह। हाँ तो बादशाह आपको कैसा लगा इधर आके? मेरा दूसरा चक्कर है यहाँ पे आज, माशाल्लाह से जितने हसीन जानवर यहाँ पे हैं इस लाइन में, पूरी लाइन में कैटल फार्म है लेकिन सबसे हसीन जानवर यहाँ हमारे साथ भी हैं, तीन तीन चम चार भी जानवरों में शुमार होते हैं। ये देखें हमारे दो दोस्त भाई जानवर, एक भाई कैमरा पकड़े ये देखें ये खूबसूरत थोड़ा जानवर, इसकी प्राइस ज्यादा है। उमर भाई आपको अपने जैसे जानवर गेने जानवर से मिलके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भी साइज का कुछ है इधर, ये अभी बहुत है। तुम्हारे अंदर ऐसा घुसेगी ना मेरे बच्चे ये भाई इधर के जानवर मुझे तो बेहद पसंद है, पहाड़ के बच्चे हैं माशाल्लाह। पाशा जानवर उठाने की कोशिश में है, जानू इस तरह नहीं उठेगा भाई, महसूस ही नहीं हो रहा होगा। मेरा पर्सनली फेवरेट कैटल फार्म गए हैं, मुझे यहाँ दो तीन जानवर पसंद भी आए हैं, जब उनकी बात आगे बढ़ेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा सॉरी हो गया ब्लॉग शूट हो गया है, बाय 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 बाय। अब हम जाने की तैयारी में, मैं अभी अभी घर में आया हूँ तो ऐसे लग रहा है कि बड़ी मेहनत मजदूरी करके घर में एंटर हुआ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सामने था कुछ भी ऐसा खास नहीं किया मैंने, आपको अपना इंट्रो नहीं दिया। मेरा नाम सैयद उमर अली है, मुझे थोड़ा सा ब्लॉगिंग का शौक चढ़ा, इस शौक में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आपके सामने खड़ा होने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बोर करूँ या ऐसा कुछ भी स्टफ, बस मेरा मोटिव ये है कि मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स बनाऊं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मुझे सब्सक्राइब करें या फिर आप लोग मुझे देखें, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगा लोग वेट करें, मेरे अगले ब्लॉग्स का इंतज़ार करें। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग में इंटरेस्टिंग लगें, आप लोगों को मज़ा आए तो सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, क्यों ना करें। और बात ये भी है कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ तो सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता है, आहिस्ता सीख जाऊँगा। आप लोग देखेंगे आप लोगों को फ़र्क पता चलेगा। अभी भी कोई गलती मुझसे हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या गलती हुई है और मैं अगले ब्लॉग में उसको किस तरह सही कर सकता हूँ, ये मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा। बस आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में।